क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का फिजिक्स, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसे क्या हो, कोई बिंदु आवेश हो, मतलब एक छोटा सा क्या हो, कोई आवेश हो। मान लीजिए यहाँ पर एक आवेश है प्लस क्यू आवेश है। अब इसके कारण किसी बिंदु पर निकाल लें इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो माना इससे आठ दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, जिस पर हमें क्या करना है, क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। मान लिया यहाँ पर धन परीक्षण आवेश है, क्या रख लें, धन परीक्षण आवेश, क्यू नॉट या क्यू जीरो। तो क्या करेंगे, निकालेंगे इस पर क्षेत्र की तीव्रता। अब उसके पहले इसको लिखना पड़ेगा। माना एक बिंदु आवेश क्यू है, इससे आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जिस पर धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट है। बिंदु पी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। क्या निकालनी है हमें, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई निकालनी है। क्या निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, जब निकालेंगे तब पता चलेगा। तो लिख लेना, लिखना क्या, माना एक बिंदु आवेश क्यू है, जिससे आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जिस पर एक धन परीक्षण आवेश क्यू जीरो है, बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तीव्रता की गणना आप लोग लिख लेंगे, इतना इतने में कोई दिक्कत नहीं होगा। माना एक बिंदु आवेश क्या है, क्यू है, या प्लस क्यू भी लिख सकते हैं। इससे आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जिस पर एक धन परीक्षण आवेश क्यू जीरो है, जिस पर हमें क्या करना है, बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक है, हो जाएगा। अब देखो यहां पे, अब देखेंगे कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम क्या कहता है, F is equal to 1/4πε0। निर्वात के लिए के भी लगाते हैं, लेकिन निर्वात या वायु के लिए के का मान एक होता है, इसलिए छोड़ दे रहे हैं। F is equal to 1/4πε0 Q1 Q2 by R² से। यहां से अगर हम देखें तो F is equal to क्या होता है, F is equal to क्या होगा, 1/4πε0 Q1 का मान क्या है, Q इंटू Q2 का मान क्या है, Q जीरो, और बीच की दूरी का वर्ग मतलब R² इसको मान लिया समीकरण नंबर। तो हम लोग जानते हैं यहां तक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग जानते हैं E बराबर F/Q0, पढ़े हैं अभी पिछले वीडियो में, इसको मान लिया समीकरण नंबर 2। अब देखो क्या करेंगे, समीकरण 1 से F का मान समीकरण 2 में उठा के रख देंगे, और जब समीकरण 1 से F का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो देखो यहाँ पे क्या होगा, E इज इक्वल टू, F का मान कितना है, 1/4πε0 Q0 by R² हो जाएगा, और अपान Q0 है,
हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब इसके बटे अगर मेक कर दे, एक ऊपर जाएगा या इसके साथ जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 क्यू क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर, क्यू जीरो यहाँ पे जाएगा इसका उल्टा यहाँ पे हो जाएगा, क्यू जीरो से क्यू कैंसिल, इक्वल टू 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर, ये आ जाएगा क्या किसी बिंदु आवेश के कारण क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल टू क्या होगा 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर, कोई दिक्कत हो जाएगा आराम से निकाल लेंगे आप लोग, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब यहां से अगर तुम लोग देखना चाहो 1/4πε0 का मान होता 9/10 ये भी याद कर लेना, और क्यू का मान दिया आर दिया रहेगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगा, नोट इसको फिर मिटा। अब अगला पढ़ेंगे, अगला हेडिंग हम लोगों क्या है, सतत आवेश वितरण के कारण, सतत आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर या वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, ऐसे भी लिख सकते हैं किसी बिंदु आवेश पर, यह भी लिख सकते हैं किसी बिंदु आवेश पर वैद्युत बल, सतत आवेश वितरण, सतत आवेश वितरण क्या होता है, जैसे कोई पृष्ठ हो, क्या पृष्ठ क्या हो, कोई भी पृष्ठ हो, कोई भी चीज हो, उस पर आवेश एक समान रूप से फैला हो तो क्या कहलाता है, वो सतत आवेश वितरण। अब सतत आवेश वितरण तीन प्रकार के होते हैं, पहला होता है रैखिक आवेश वितरण, क्या होता है रैखिक आवेश वितरण, रैखिक आवेश वितरण, दूसरा होता है पृष्ठ आवेश वितरण, क्या होता है पृष्ठ आवेश वितरण, और तीसरा जो होता है वो होता है आयतन आवेश वितरण, समझ में आया होगा, होता है क्या पृष्ठ आवेश वितरण, और तीसरा जो होता है वो होता है आयतन आवेश, रैखिक आवेश वितरण, पृष्ठ आवेश वितरण, और क्या होता है आयतन आवेश वितरण। अब जैसे इसमें से अगर हम पहला हेडिंग उठा लें, अभी आप लोग नोट कर लो, हम दो मिटा दे रहे हैं, एक को रहने दे रहे हैं, रैखिक आवेश वितरण को रहने दे रहे हैं, रैखिक आवेश वितरण। जैसे क्या है, एक कोई रेखा हो, इस पर एक समान रूप से आवेश क्या हो, इसके कारण क्या इस पर बल लगेगा, इसके लिए पूरा पृष्ठ ना लेके, पूरा रेखा लेके इसका छोटा सा भाग ले लेते हैं, इसकी लंबाई मान लिया तार की लंबाई, या पूरा जो है इसकी लंबाई क्या है एल है, इसके छोटे से पृष्ठ अगर छोटा सा टुकड़ा ले, इसकी लंबाई हो जाएगी डेल्टा एल हो जाए। अब मान लिया पूरे पे आवेश क्यू है, तो छोटे से पृष्ठ या छोटे से तार पे आवेश हो जाएगा डेल्टा क्यू हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, मान लिया आवेश क्या हो जाएगा डी क्यू, कोई दिक्कत। अब हम लोग पढ़े नहीं कि आवेश घनत्व पढ़े नहीं, गॉस के थ्योरम में पढ़ लेंगे अगले चैप्टर में, अगर आप लोग नहीं जानते हो अगले चैप्टर गॉस के थ्योरम वाले में पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, इसको हम लोग दिखाते हैं लैम्डा से, इससे दिखाते हैं लैम्डा से, लैम्डा बराबर होता है
डी क्यू बाई डी एल हो जाएगा, यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एल। तो डी क्यू इज इक्वल टू अगर हम निकालेंगे लैम्डा इंटू डी एल हो जाएगा, हो जाएगा। अब यहाँ पे आवेश डी क्यू है, यहाँ पे आवेश क्यू जीरो है, तो दोनों आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल निकालेंगे क्या, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल। अब दोनों आवेशों के बीच जब लगने वाला वैद्युत बल निकालेंगे तो पढ़े हैं कूलाम का नियम, कूलाम के नियम से। अब कूलाम का नियम क्या कहता है, एफ इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर से, इसे करेंगे। देखो इस पर थोड़ा सा बल लगेगा, मान लिया बल क्या लगेगा डीएफ, क्योंकि छोटे से टुकड़े के लिए निकालना है, तो बल हो जाएगा मान लिया डीएफ, डीएफ इज इक्वल टू वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू वन, क्यू वन क्या है डी क्यू है और फिर क्या है क्यू नॉट है, तो यहां से हो जाएगा डी क्यू क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर हो जाएगा। ये तो छोटे से मतलब तार के लिए टुकड़े के लिए क्या लग रहा है बल, अब पूरे तार के कारण या पूरे रेखा के कारण जो बल लगेगा, पूरे के कारण जो बल लगेगा वो होगा पूरे के कारण लगने वाला बल, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन कर देंगे इसका डी एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इसका वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो डी क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से देखो पूरे कारण बल लगेगा यह हो जाएगा बल यह वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्या होगा कांस्टेंट होगा, क्यू जीरो वो भी जो धन परीक्षण आवेश होगा वो भी कांस्टेंट होगा बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, बचेगा कौन डी क्यू, बचेगा नहीं बचेगा क्या बचेगा डी क्यू। अब F इज इक्वल टू होगा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू जीरो बाई आर स्क्वायर, अब डी क्यू का मान कितना है लैम्डा डी एल, ये हो जाएगा लैम्डा इंटू डी एल, ये हो जाएगा रेखी आवेश वितरण पर लगने वाला बल या रेखी आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर लगने वाला बल। F इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू बाई आर स्क्वायर और इंटीग्रेशन ऑफ इसका लैम्डा डीएल हो जाएगा। उम्मीद कर लोगों को समझ आ गया होगा आराम से। चलो अब इस बात को नोट कर लो फिर हम आगे बढ़ते हैं पृष्ठ आवेश वितरण पढ़ेंगे। मिटाएं इसको, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे पृष्ठ आवेश वितरण। अब पृष्ठ आवेश वितरण मतलब क्या हो, किसी पृष्ठ पर आवेश एक समान रूप से क्या हो वितरित हो, किसी भी पृष्ठ पर आवेश क्या हो एक समान रूप से वितरित हो तो क्या कहलाएगा पृष्ठ आवेश वितरण। मान लिया एक पृष्ठ है कुछ इस प्रकार, इस पर आवेश एक समान रूप से वितरित है हो जाएगा, अब इससे पे एक छोटा सा भाग ले ले हम मान लिया इसका पूरे का एरिया ए है इसका डी है डेल्टा है, इस पर अब इससे आर दूरी पर, इससे आर दूरी पर एक बिंदु पी है, अब इस पर मान लिया एक परीक्षण आवेश Q0 है, इस पर लगने वाला बल क्या होगा, अब मान लिया पूरे पे आवेश Q है, इस इतने पृष्ठ पे छोटे से पृष्ठ पे कितना होगा आवेश पूरे पे Q है, इसमें मान लिया क्या होगा आवेश dQ हो जाएगा आया समझ में। तो यहां से हम अगर पृष्ठ आवेश घनत्व देखें, क्या देखें पृष्ठ
आवेश घनत्व तो होता क्या सिग्मा, क्या होता है सिग्मा। और सिग्मा बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, डी क्यू बाई डी ए। सिग्मा बराबर होता है डी क्यू बाई डी ए, यह होता है इसको मान लिया समीकरण नंबर एक हो जाएगा। अब फिर यहां से क्या होगा, फिर कूलाम का नियम लगाएंगे, कितना बल लगेगा कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम जब लगाएंगे एफ इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 बाय r स्क्वायर, तो df ले ले रहे हैं डायरेक्ट और क्या हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। अब यहां पे आवेश dq है q0 है, क्या है dq है और q0 है, बीच की दूरी r स्क्वायर। अब क्या करेंगे पूरे पे कितना बल लगेगा, इंटीग्रेशन करेंगे df इक्वल टू यहां पे भी इंटीग्रेशन करेंगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 dq q0 by r स्क्वायर हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, f होगा f इक्वल टू या वैल्यू फिक्स है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 q0 by r स्क्वायर, बचेगा dq या बचेगा, इसको जब सॉल्व करोगे तो f इक्वल टू अब यहां से लिख देना, देखो समीकरण 1 से dq by, अब देखो समीकरण 1 से हम लोग एक काम कर सकते हैं, यहां पे देखना यहां से dq का मान निकाल सकते हैं, तो dq बराबर होगा सिग्मा इनटू dA हो जाएगा। इसको मान लेना, इसको मत मानना, इसको मान लेना समीकरण एक। अब लिखना समीकरण एक से, समीकरण एक से यह बराबर क्या होगा, देखो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 मतलब क्या है, क्या है जो dq है उसका मान उठा के रख देना आ जाएगा। क्या करोगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 q0 बाय r स्क्वायर, बच रहा है क्या सिग्मा d, ये हो जाएगा किसके पृष्ठ आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत बल हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को आ गया होगा, कोई दिक्कत। अब इसके बाद आता है, इसको आप लोग नोट कर लो, पढ़ेंगे आयतन आवेश वितरण। क्या पढ़ेंगे आयतन आवेश वितरण, अब आयतन आवेश वितरण क्या होता है, जैसे कोई आयतन, कोई आयतन हो उसके अंदर, मतलब क्या हो जैसे कोई चीज है डिब्बा है या कुछ है, कोई आयतन हो उसके अंदर आवेश एक समान रूप से भरा हुआ, जैसे बॉक्स है, अब इसके अंदर आवेश एक समान रूप से भरा हुआ, क्या हो हवा का आवेश एक समान रूप से भरा हुआ, तो मान लिया छोटे से, अब इसमें आवेश अंदर से भरा रहेगा, देखिएगा नहीं लोगों को अंदर पूरा आवेश भरा रहेगा, ठीक है। अब मान लिया इसके छोटा सा भाग ले लिया, अब इसका आयतन क्या होगा वी होगा, इस पर आवेश मान लिया क्यू होगा, मान लिया इसका छोटा सा भाग ले लिए a, इसका जो आयतन होगा dv होगा, इस पर आवेश जो होगा d हो जाएगा। इससे r दूरी पर एक बिंदु p मान लिया, इस पर एक परीक्षण आवेश q होगा, उस पर क्या निकला विद्युत बल, आयतन वितरण के कारण उस बिंदु पर विद्युत बल कितना लगेगा, ये हम लोग क्या करना बताना है, ठीक है। अब आयतन आवेश घनत्व क्या होता है, आयतन आवेश घनत्व क्या होता है, रो, रो होता है। अब रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी क्यू बाई डी वी हो जाएगा, रो इक्वल टू डी क्यू बाई डी वी। यहां से अगर हम डी क्यू का वैल्यू निकालें, डी क्यू इक्वल टू होगा रो इंटू डी वी हो जाएगा, इसको मान लिया समीकरण नंबर एक। फिर वही काम कूलाम के, कूलाम भैया को छोड़ना नहीं पकड़ के रखना तुम लोग, कूलाम के नियम से
गुलाम को अगर छोड़ दोगे तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए गुलाम को पकड़ के रखना, क्योंकि इनका काम बहुत आगे तक लगेगा, हमेशा ऐसे लगते जाएगा और तुम लोग लगाते जाना, ठीक है। गुलाम के नियम से यफ इज इक्वल टू होता है थंबनेल, यफ के लिए छोटे से भाग के लिए, उसमें छोटा सा बल लगेगा, थोड़ा सा बल लगेगा, 1/4πε0 क्या होगा, dQ होगा dQ q0 r2। अब पूरे के लिए हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, df इज इक्वल टू क्या होगा, 1/4πε0 dQ q0 r2। अब देखो क्या करोगे, df का इंटीग्रेशन हो जाएगा पूरा बल, तो उस पे लगने वाला पूरा बल 1/4πε0 बाहर आ जाएगा, डी क्यू बचेगा q0 r2 आ जाएगा, क्या बचेगा dQ। अब dQ का मान समीकरण एक से उठा के रख दो, इतना समीकरण एक से f इज इक्वल टू 1/4πε0 q0 r2, dQ का वैल्यू है रो इनटू dV, ये हो जाएगा आयतन आवेश के कारण किसी बिंदु पर लगने वाला बल। उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्या कीजिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, उतार लीजिए, मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो मन करे वो कर लीजिए, ठीक है। अब इसको मिटाते हैं, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव, क्या पढ़ेंगे, वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल। अब इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है, पूछे वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, क्या होता है दो आकृति बराबर परंतु प्राकृति में विपरीत, मतलब आकार बराबर लेकिन गुण बराबर ना हो, एक आवेश प्लस और दूसरा हो माइनस, जब दो बराबर विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हो, इस प्रकार बने निकाय को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। तो क्या होगा, जैसे एक आवेश है प्लस क्यू आवेश है, अब इससे अल्प दूरी मान लिया, इसके बीच की दूरी क्या है, 2r है, क्या है 2r, अल्प दूरी यहाँ पे माइनस q आवेश है 2r दूरी पर। अब देखो जितना बड़ा ये होना चाहिए उतना बड़ा है, जितना आवेश इसके उतना आवेश इसके, ये प्लस माइनस, दो आकृति में बराबर लेकिन प्राकृत में क्या हो, मतलब जैसे क्या हो, इनकी गुण अलग हो, दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार आवेश एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर रखे होते हैं तो क्या कहलाते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। या इस प्रकार जो बना ये जो पूरा निकाय जो बनता है ये कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव। ऐसे में जैसे क्या होता है, मतलब एक तरह से समझ लो क्या होता है कि जैसे एक आगे जाए तो दूसरा पीछे, सेम अपोजिट, लेकिन क्या हो जैसे जोड़ा हो, क्या हो जोड़ा, कोई चीज लेते हो तुम लोग जोड़ा होता नहीं होता, जैसे स्लीपर लेते हो या चप्पल लेते हो, एक राइट का लेते हो और एक लेफ्ट का, पर दोनों का साइज तो होता है, होता नहीं होता है, अगर साधारण है हम लोगों के जैसे तो उसका साइज दोनों पैर का क्या होता है, एक ही होता है। उसी प्रकार होगा कि क्या आकृति पर प्रकृति आवेश जब एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर रखे हो तो इस प्रकार निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। मन करे तो लिख लो, क्या लिखोगे, लिखो जब दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर रखे हो, तो
इस प्रकार बने निकाय को क्या कहते हैं? वैद्युत ध्रुव कहते हैं। आज समझ में कोई दिक्कत? अच्छे से पढ़ो, एंजॉय करते हुए पढ़ो, सब समझ में आएगा। ठीक है, क्या है? जब दो परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से क्या हो, अल्प दूरी पर रखे हो, इस प्रकार तो क्या बनता, पूरा सिस्टम बनता, उसी को क्या वैद्युत ध्रुव। वैद्युत ध्रुव जो लेते हैं इसके मध्य बिंदु पे रख लेते हैं, इसलिए इसकी दूरी मानते हैं 2L, क्योंकि आधा इधर कर देंगे हो जाएगा और इधर कर देंगे L हो जाएगा, हमारे लिए इजी हो जाएगा आगे चलते। इसलिए बीच की दूरी लेते हैं R, मान लेते हैं हम लोग ले लिए 2L या 2R भी ले सकते हो। आए समझ में, कोई दिक्कत? अब इसको मिटाएं। अब देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? जैसे हम देखें वैद्युत द्विध्रुव, एक प्लस आवेश, इसकी बीच की दूरी 2L, एक माइनस क्यू आवेश, एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर रखे हैं, तो ये कहलाएगा पूरा निकाय वैद्युत ध्रुव। तो क्या करेंगे, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या होता है? सबसे पहले देखो वैद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या होता है। वैद्युत ध्रुव में जो आवेश होता है, क्या होता है? जो आवेश होता है वैद्युत ध्रुव में, आवेश और आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं? वैद्युत ध्रुव आघूर्ण। देखो देखेंगे क्या, वैद्युत द्विध्रुव में आवेश और आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को, गुणन फल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अगर आप लोगों को समझ में ना आए लिखा हुआ, क्योंकि राइटिंग थोड़ा अलग है, हम बोलते हैं आप लोग नोट कर लिया करो। ठीक है, क्या हो, वैद्युत ध्रुव में आवेश और आवेश के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या करते हैं? वैद्युत ध्रुव आघूर्ण। इसे क्या करते हैं, इसे पी से, कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं। आए समझे, अब जब कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं वैद्युत ध्रुव आघूर्ण बराबर क्या हो जाएगा? वैद्युत ध्रुव आघूर्ण को पी से लिखाते हैं, आवेश क्या है उसमें क्यू, बीच की दूरी क्या है एल, या पी को लिख सकते हैं क्यू एल, ये भी लिख सकते हैं, लिख सकते नहीं लिख सकते। अब इसका अगर मात्रक पूछ ले, क्या पूछ ले, मात्रक, तो मात्रक क्या होगा बेटा? मात्रक देखो टू है, छोड़ दो, क्यू मतलब कूलांब, आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलांब। अब लंबाई, लंबाई का क्या होता है? मीटर। इसका कहलाएगा कूलाम मीटर हो जाएगा, कोई दिक्कत? अब इसके बाद आप बात बीमा की, तो बीमा क्या होगी? मतलब एम्पियर सेकेंड, मतलब क्या हो जाएगा? एटी। और लंबाई क्या हो जाएगा? यल। इसकी बीमा हो जाएगी यल ए। उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छे से आ गया होगा। आप लोग मेहनत करते रहिए, क्योंकि करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलो अब आगे हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता या वैद्युत ध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता, जैसे क्या होता है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट आता है अच्छी स्थिति पर, अच्छी स्थिति पर पढ़ेंगे हम लोग, निरक्षी पढ़ेंगे हम लोग,
व्यापक बिंदु या अन्य बिंदु पढ़ेंगे हम लोग, जो कि यह क्या होता है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्ट कर लेना, यह इम्पोर्टेंट ज्यादा होता है। चलो आप लोग क्या करो, चैनल को जितना हो सके शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और डेली वीडियो अपलोड होता रहेगा, आप लोग देखते रहें।